ऐसी क्या जल्दी पड़ी थी शादी पक्की करने की? मैं क्या मर गया था? चार दिन कचहरी गया और यहाँ सब चौपट कर दिया। बात यह है, असल में पंडित जी ने टाइम ही नहीं दिया था। कहने लगे कि लड़की वालों के यहाँ तीन चार रिश्ते और आए हैं, अगर देर कर दी तो कुंवारी रह जाएगी मालती। क्यों? पंडित जी खुद बम्बई जाकर घर देख आए हैं बड़के भैया। घर अच्छा है, अपने बयाना गांव के ही तो है, अब रहने लगे हैं बम्बई में जाकर। कौन रहते हैं मालूम है? सब मांस और मछली खाने वाले। मैं इतनी दूर अपनी मालती को नहीं दूंगा। नहीं 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 बड़के भैया, ये लोग अच्छे आदमी है, दाल रोटी खाते हैं, लड़का अच्छी नौकरी भी करता है, ए बी पास है, और फिर भैया दहेज वेज कुछ भी नहीं मांग रहे। कहा है जो देना है लड़की को दे देना। अरे इन बम्बई वाले ससुरों को कोई लड़की ही नहीं देता, दहेज किस मुंह से मांगेंगे? मैंने तो कहा था पूछ लो जेठ जी से। लो वो पंडित जी आ गए। पंडित जी, ये शादी पक्की करने की क्या जरूरत थी? चार दिन और ठहर नहीं सकते थे? बात ये हुई गौरी शंकर जी कि वो लड़का हाथ से जाता था, क्या नाम है कि, तो मैंने सोचा लड़कों की कोई कमी है क्या? मालती हमारी कच्चे दूधों की पाली है, वहां कहां झोंक देंगे बंबई के भाड़ में। भाड़? क्या कह रहे गौरी शंकर जी, बंबई तो बंबई है, 2400 घंटे वहां मेला लगा रहता है, क्या नाम है कि चारों तरफ मोटरें, रेलें, थिएटर, नाटक। अरे आनंद करेगी हमारी बिटिया वहां। हाँ अरे आसपास कहीं जाती तो देख आया करता कभी कभी, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है। आनंद करेगी बिटिया। अजी गौरी शंकर जी, 24 लड़कियों का ब्याह मेरे निमित्त हुआ इस गांव की, कोई कह तो दे जमाए घर बार अच्छे नहीं। क्यों श्यामलाल? जीती रहो बेटी। कितने दिन लगा दिए ताऊ जी? क्यों? कहते थे 2 दिन में लौटाऊंगा। देर हो गई बिटिया, देख इसी बीच इन लोगों ने मिलकर शादी पक्की कर दी तेरी, इतनी दूर बंबई में। तू कह तो दे बेटी एक बार, मुझे पसंद नहीं, अभी बंद करवा देता हूँ ये शादी। क्यों बेटी? मुझे क्या मालूम। आखिर बिटिया तो हमारे घर की है, हमारे धर्म और नीति को समझती है, जो बड़ों ने कह दिया सिर झुकाकर मान लिया। सच कहते हैं गौरी शंकर जी। बारात आने के लिए एक हफ्ता रह गया है, 20 मार्च को आने वाली है। तुम चुप रहो बिल्कुल। कहते हैं मैदान, खेल क्रिकेट जितना खेलना है, लगा छक्के पे छक्का। हाँ अरुण भैया, यहाँ तो 10 ट्रिपल सेंचुरी बन सकते हैं। अरे भाग गया, हम निकल जाट गया, चलो नंबर गिनो, हम अपना बिस्तरा बांधता है, हमारा टेस्ट सुनाने वाला है। कहाँ उतरेंगे? अरे भाई गंज खजूरी, हमारी गाड़ी 3 घंटे लेट है नहीं, अरे वरना हम तो 4 बजे पहुंच गया होता। अभी बहुत टाइम है, 2-4 हाथ और खेल सकते हैं। हाँ हाँ बैठिए, हम बांटते हैं। अरे इधर में किधर हाथ डालता है, देखो भाई हमारा टेस्ट आए तो हमको याद दिला देना, कहीं हम बैठा ही ना रह जाए। मैं भी बैठा रह गया था एक दिन, खेल में इतना मोहू हो गया था कि दूसरे दिन पता चला कि मैं अकेला ही खेल रहा हूँ। लो मामा आ गए। शर्मा जी टिकट निकालिए। कहाँ है मामा? अरे आ तो रहे, ले लीजिए। गंज खजूरी, वो तो आप 50 मील पीछे छोड़ा है। क्या गाड़ी 3 घंटा लेट नहीं है? अभी तो 1.5 घंटा लेट है, 1.5 घंटा मेकअप कर लिया है, 6 रुपया बारह ना भरिए और अगले स्टेशन पर उतर जाइए। धत तेरे की, अरे पहले गाड़ियों का टाइम पर आने का भरोसा नहीं था, अब लेट आने का भी भरोसा नहीं रहा। साईं एक काम करो, हमारे संग ही चलो, मजे से ताश खेलते खेलते जाएंगे और वापसी में मजे से ताश खेलते खेलते बंबई पहुंच जाएंगे। मेरी टैक्सी है, मैं तुम्हें बंबई घुमाऊंगा और मीटर से जाती पैसे नहीं लूंगा। अरे पैसे की बात तो ये पहले ही तय कर रहा है। नहीं करूंगा भाई। तो अरे भाई लड़ता काहे को है, स्टेशन तो हमारा पीछे रह गया, तुम्हारे पे झगड़ा करता है। अरे पर बात तो अरे तू बेटा बड़े ये बार-बार जेल में क्यों हाथ लगा? अरे भाई सुन रहा है यार, अच्छा
बड़ा कमरा है दी सच्ची, यहाँ तुम क्रिकेट खेल सकेंगे। क्रिकेट? हाँ यहाँ पे। मामा ये बच्चे को बस क्रिकेट की पड़ी है। मामा वाह 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 भैया चलो यहाँ क्रिकेट खेलेंगे। बहुत अच्छी जगह है, बहुत अच्छी जगह है कुलकर्णी। अगर ऐसा मकान मेरे पास बंबई में होता तो मैं एक कमरे में रहता, एक में सोता, एक में खाता और एक में कुल्ला का। अरे वाह शर्मा जी, अगर मेरे पास इतना बड़ा मकान होता जिसमें 18 कमरे होते तो मैं 17 भाड़े पे देता और 18 में शादी करके आराम से सो जाता। नहीं यार, तू ऐसा कर, पूरा 18 के 18 भाड़े पे दे दे और तू खुद टैक्स में सो जा। ये क्या आइडिया है तेरा? आइए आइए श्यामलाल जी, आइए आइए, आपने बहुत अच्छा इंतजाम किया है। सब आपकी कृपा है। देखिए यहाँ दो नौकर हैं, जब भी कोई जरूरत हो इनसे कह दीजिए। वैसे मेरा घर भी पास ही है, जब भी कोई जरूरत हो निसंकोच आ गया दे। अगर कुछ चाय वाय का इंतजाम हो जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी। जरूर जरूर। मंगरू, चाय के अलावा और कुछ? दूध, लस्सी, कुछ नमकीन जैसे समोसा, कचौरी और बटर वाला? अच्छा अच्छा, नहीं नहीं साहब, आप सिर्फ चाय का बंदोबस्त कीजिए। अच्छा मंगरू, महाराज से कह जल्दी पहले चाय भिजवा दे। कुछ मिठाई भिजवाओ। नहीं जी, सिर्फ चाय। मैंने नहीं बोला कुछ, ये बोला। मैं कुछ नहीं बोला, ये भुक्कर अपने साथ है ना, यही घड़ी घड़ी मांग करता। शर्मा जी वाह वाह, आपने आसामी तो बड़ी तगड़ी फांसी है, मगर एक गलती कर गए। वो क्या? जायज दबा के मांगना। और अभी जो गलती कर गए उसका क्या होगा? ना समोसा, ना कचोरी, ना बटाड़े वाड़े, ना कुछ। कुलकर्णी तुम तो तुम दोनों ही कुछ नहीं समझते। अरे लड़की वाले इसी तरह आजमाते हैं, जितना तुम नाना करोगे उतना ही माल और आएगा। समझा? हाँ, जरा समझने की कोशिश करो। पूछने आया, आप लोग कुएं पे नहाएंगे या नदी में? बाथरूम में। अरे वाह, तुम्हारा घर तो बड़ा अच्छा है। आप जहाँ ठहरी वो भी हमारा ही है, ताऊ जी ने बनाया था रहने के लिए। अच्छा, ताई जी चल बसी, उसके बाद सब यहीं रहते हैं। यहाँ कौन रहता है? ऐसे ही है, मेरा था। यहाँ हम गुड्डे गुड़ियों से खेला करते थे। अच्छा बताओ, हमारा राम तो तुम्हें पसंद आया? वो रही आपकी रहने की जगह। आप पक्के रास्ते से आई है ना? इधर से आती तो 2 मिनट का रास्ता था। मेरी बात का जवाब नहीं दिया? हमारा राम तो तुम्हारे पीछे पागल सा हो रहा है। अच्छा, राम से मिलोगी? हाय राम। अरे अरे, अपने पति का नाम ले रही हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो भगवान का नाम ले रही हूँ। ओफो, अभी से पति को परमेश्वर मान लिया? इनका नाम ही ऐसा है। हाँ, वो वहाँ हाय मालती जप रहा है और यहाँ तुम हाय राम कर रही हो। मैंने कहा हाय राम। मालती बेटी, कुमुद आई है, चलो कुछ खा पी लो। राम, अरे राम, जानते हो मैं कहाँ गई थी? कहाँ गई थी? अब भी बताती हूँ। मैं मालती से मिल के आई हूँ। मालती से? यू आर ग्रेट भाभी। कुछ कह रही थी क्या? हाँ, बहुत बातें हुई। कुछ मेरे बारे में? हाँ, मैंने पूछा राम से कुछ कहना है। फिर क्या कहा? अरे इतने उतावले क्यों हो रहे हो, दाढ़ी तो बना लो। प्लीज भाभी बताओ ना, कुछ कहा? हाँ। क्या? हाय राम। हाय राम क्यों? इसलिए कि तुम हाय मालती करते हो। मजाक छोड़ो भाभी, बताओ ना क्या कहा। चलो मजाक ही सही है, मैं चलती हूँ, मुझे शादी के कपड़े ठीक ठाक करने। मारो गोली शादी को, मेरा मतलब है कपड़ों को। क्या कहा उसने? अरे भाई, मैंने उससे पूछा राम से मिलना है तो शर्मा के बोली हाय राम, बस बात खत्म। बस यही बातें हुई? अच्छा भाभी, एक बार हमारी उससे मुलाकात तो करवा दो। अरे वाह, ये कोई बंबई है जो चर्चगेट पे मिले हो, किसी ने देखा नहीं? ना बाबा ना। प्लीज भाभी, सब हो सकता है, सिर्फ एक बार देखूंगा। कितनी अच्छी भाभी। हाँ, एक पिछवाड़े रास्ता तो है, वह गुड्डो गुड्डी वाला कमरा भी है, पर नहीं बाबा। पर कुछ नहीं, कैसे भी मैनेज करो। प्लीज भाभी।
अच्छा देखती हूँ, अभी कहीं जाना मत, यहीं रहना। ये बात है ना, अरे दद्दा तू हमारे टेस्ट मैच में कहाँ घुसा है? चल अरे बॉल फेंक।